सोलन में गुस्से से भरी भाजयुमो सोलन ने प्रेस वार्ता कर जवाली से कांग्रेस नेता नीरज भारती को बेहद कोसा। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता करते हुए जिला सोलन भाजयुमो अध्यक्ष भरसाहनी ने नीरज भारती पर जमकर ताबड़तोड़ हमले किए और उन्हें देशद्रोही की संज्ञा भी दी। उन्होंने कहा कि नीरज भारती अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और जहां एक और सारा हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, वहीं नीरज भारती फेसबुक पर पाकिस्तान की सेना को आग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए वे आज एसपी सोलन को नीरज भारती के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर आए हैं ताकि उनके खिलाफ देशद्रोही का मामला दर्ज किया जा सके। फेसबुक पोस्ट से तिलमिलाए जिला सोलन भाजयुमो अध्यक्ष भरसाहनी ने कहा कि कांग्रेस नेता के मुंह में बवासीर हो चुकी है। यही वजह है कि नीरज भारती फेसबुक पर देश के प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं और यहां तक कि वह पाकिस्तान आर्मी से आग्रह कर रहे हैं कि वह भारत में प्रवेश करें और आरएसएस और भाजपा के कार्यालय पर बम फेंके। इस तरह की बयानबाजी भाजयुमो कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली है और वह अपने देश और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की बातें कभी सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इस कांग्रेस नेता के खिलाफ सोलन एसपी के पास शिकायत दी है और उनसे आग्रह किया गया है कि नीरज भारती के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। हमारा एक और मुद्दा है, यहाँ पे पूर्व में ज्वाली के विधायक रहे और सीपीएस रहे, उन्हें मुंह में बवासीर की बीमारी हो गई है, पर देश के प्रति, देश के प्रधानमंत्री के प्रति, देश के राष्ट्रवाद के प्रति ये आगनत फेसबुक के अंदर बहुत बड़ी टिप्पणियां करते हैं। पिछले दिनों भी शिमला के अंदर इन्होंने एक हमारी बहन के साथ बदतमीजी की थी, इन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। आज वैसा ही मुकदमा हम एक जाकर देशद्रोह का आदरणीय एसपी साहब से मिलकर के इन पे करने वाले हैं। पर मेरा आज एक बड़ा आग्रह है हमारे कांग्रेस के बड़े लीडरों से कि आप इस तरह के लोगों को अपनी पार्टी में रखते हैं, इस तरह के लोगों को सीपीएस बनाते हैं जो देश के प्रधानमंत्री के प्रति गंदी गंदी टिप्पणियां फेसबुक पे लिखते हैं। यह लिखते हैं कि पाकिस्तान आए और आरएसएस कार्यालय में, बीजेपी कार्यालय में और संघ कार्यालय में आकर के बम डाले। आप देश के दुश्मन को यहाँ बुला करके बम फाड़ने की बात करते हैं, इससे बड़ा देश दोष क्या होगा। इन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और तत्काल रूप से इनको जितनी भी कांग्रेस पार्टी की जो पोस्टें हैं उनसे निष्कासन करे और कांग्रेस दिखाए कि इनमें दम है तो नीरज भारती को पार्टी से निकाल करके इनके ऊपर मुकदमा दायर करे।